जितना माल साल भर फाजिल बचा हुआ रहा और साल गुजर गया है उस पूरे माल का सिर्फ ढाई फीसद साल में एक मरतबा जकवात निकाली जाती है ढाई फीसद का मतलब यह हुआ कि एक हज़ार रुपये में पच्चीस रुपये के हिसाब से जक़त निकाली जाएगी तो अब जितनी रकम बनती है तजारत के सामान की और कैश की और सोने चांदी के जेवरात की उसमें ढाई फ़ीसद टोटल रकम जो ज़रूरत से फाजिल बची हुई है उतनी ज़क़ात निकाल दी जाएगी ज़री जो पैदावार हैं ज़री पैदावार में यह बताया गया है कि अगर पैदावार इस तरह हो रही है कि खेती आसमान के पानी से सैराब हो जाती है हमें सैराब करने के लिए पानी पटाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है तो उस वक्त जक़ात दस फीसद वाजिब होगी जितनी पैदावार होती है और अगर हमें ख़र्च करना पड़ता है खेती को सैराब करने के लिए पानी का इंतज़ाम करने के लिए हमारा खर्चा आता है तो फिर उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है और सिर्फ पाँच फ़ीसद ज़क़त वाजिब हो जाएगी जानवरों के सिलसिले में अलग अलग मकदार हैं और एक तफसीली बहस है जिसको हम बड़ी किताबों में पढ़ सकते हैं और दूसरे मौके पर देख सकते हैं